तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द पाचे गाय। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। सो गाइस, आज जो है मेरे सामने है टाटा नेक्सॉन, और ये टाटा नेक्सॉन जो है वो न्यू मॉडल है। आप सभी को पता होगा कि टाटा नेक्सॉन ने अपना जो है फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च किया है, तो ये जो है इसका न्यू मॉडल है जिसमें आपको काफ़ी सारे न्यू फीचर्स जो है वो देखने के लिए मिल जाते हैं। और आज जो है मैं इस वीडियो में आपको इस कार का जो है एक रिव्यू दिखाने वाला हूँ। और मेरे सामने जो है ये एक बेस मॉडल नेक्सॉन खड़ी हुई है जैसे कि आप देख सकते हैं, और वहाँ पर जो है आपको ये सेकेंड टॉप मॉडल देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि शायद डिलीवरी के लिए रेडी हो रही है, और ये जो है आपको बेस मॉडल देखने के लिए मिल जाएगी। तो ऑलमोस्ट जो इंजन स्पेसिफिकेशंस हैं, इंटीरियर है, वो लगभग सेम है। तो मैं आपको इसमें दिखा दूंगा कि आखिर इसके स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स और प्राइसिंग क्या है। तो आपको जो ये कार है गाज़ीपुर में देखने के लिए मिल जाएगी। मैं लास्ट में इसकी प्राइसिंग भी बताऊँगा, गाज़ीपुर में इस कार की ऑन रोड प्राइस आपको कितनी देखने के लिए मिल जाएगी। तो गाइस, वीडियो में बने रहिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी पॉइंट जो है मिस ना हो जाए। तो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, वीडियो में बने रहिए। सो गाइस, ये जो कार है इस टाटा नेक्सॉन जो न्यू जनरेशन फेसलिफ्ट वर्जन है, इसमें आपको जो है 1500 सीसी का यानी 1497 सीसी का फोर सिलेंडर डीजल इंजन देखने के लिए मिल जाता है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 113 BHP की और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 260 Nm का, जो कि गाइस काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग जो है पावर फिगर्स हैं आपको इस कार में देखने के लिए मिल जाएंगे। और टाटा का जो इंजन है और बिल्ड क्वालिटी है वो हमेशा से रिलायबल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें जो मेटल की क्वालिटी है और जो पूरे इंजन की क्वालिटी है, और जो यहाँ पे इंजन डिस्प्लेसमेंट दिया गया है ना, यानी कि जो इंजन का प्लेसमेंट दिया गया है वो काफ़ी जो है देखने में अच्छा लग रहा है, मतलब काफ़ी नीट एंड क्लीन है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको इसमें कंजेस्टेड चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा जो है फाइन प्लेसमेंट मिलता है हर एक चीज़ों का। और इसमें आपको जो है डैम्पिंग भी काफ़ी अच्छी खासी देखने के लिए मिल जाती है, जैसे कि आपको वहाँ पे डैम्पिंग देखने के लिए मिल जाती है, आपको यहाँ पे जो है डैम्पिंग देखने के लिए मिल जाती है, और आपको उस साइड में भी यहाँ पे डैम्पिंग देखने के लिए मिल जाती है, जो कि इंजन वाइब्रेशन और सारी चीज़ों को काफ़ी हद तक कम कर देता है। अगर मैं बताऊँ कि आपको यहाँ पे ये कूलेंट देखने के लिए मिल जाता है, और आपको यहाँ पे जो है इंजन ऑयल रिजर्वायर देखने के लिए मिल जाएगा, ये आपको ब्रेक ऑयल रिजर्वायर देखने के लिए मिल जाएगा, और ये जो है आपको ABS देखने के लिए मिल जाता है, यानी आपको ये जो ABS लाइन है ये देखने के लिए मिल जाती है। अब जो है मैं आपको कार के अंदर लेके चलता हूँ और कार के अंदर की सारी चीज़ें दिखाता हूँ कि आपको जो है कार के अंदर कैसा इंटीरियर दिया गया है इसमें, और इसमें जो है अगर आप बैठते हो तो आप क्या कंफर्टेबली बैठ पाओगे या फिर बैठने में आपको प्रॉब्लम होती है। तो गाइस, मैं इस जो बोनेट है इसको बंद करता हूँ और आपको अंदर लेके चलता हूँ। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो है इसका इंटीरियर है फ्रंट साइड का, जिसमें कि आपको ये ड्राइविंग सीट देखने के लिए मिल जाती है, और वो आपको पैसेंजर साइड की सीट देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे आपको स्टीयरिंग व्हील देखने के लिए मिल जाता है, स्टीयरिंग व्हील जो है अपग्रेडेड है, जैसे कि आपको पता है कि न्यू जो नेक्सॉन आती है उसमें आपको यहाँ पे डिजिटल लोगो देखने के लिए मिलता है टाटा का। तो ये आपको जो है फ्रंट का पूरा इंटीरियर देखने के लिए हो गया। मैं आपको आगे इसमें फीचर्स से भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा, पहले मैं आपको स्पेस दिखा देता हूँ। अब मैं आपको पीछे एक बार दिखाता हूँ कि आपको यहाँ पे रियर पैसेंजर्स में यहाँ पे कितना स्पेस देखने के लिए मिलता है। तो आप देख सकते हैं अगर आप ये जो फ्रंट की सीट है अगर आप इसको पूरा पीछे कर देते हो तो यहाँ पे आपको स्पेस काफ़ी कम मिलता है, यानी कि इतना स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा रियर साइड में अगर आप इसकी सीट को पूरी पीछे कर देते हो तो। हालांकि जो है पीछे मुझे लेग रूम थोड़ा कम लग रहा है पैसेंजर्स के लिए, क्योंकि मैं 6 फीट का हूँ तो मैं तो इसमें डेफिनेटली नहीं आ पाऊँगा। अगर इतनी पीछे रहेगी सीट तो मैं 6 फीट का हूँ, डेफिनेटली मैं नहीं आ पाऊँगा इस सीट में। और पीछे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे स्पेस काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ है, मतलब 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं बिना किसी इशू के। और मैं अभी आपको इसका बूट स्पेस भी दिखाता हूँ कि बूट स्पेस में आपको इसमें स्पेस कितना देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइस, इसमें जो है आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा बूट स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। अगर मैं बूट स्पेस की बात करूँ तो इसमें आपको 386 लीटर का जो है बूट स्पेस देखने के लिए मिल जाता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा बूट स्पेस है, काफ़ी बड़ा बूट स्पेस है। मतलब आप इसमें चाहें तो 1, 2, 3 आप इसमें 4-5 सूटकेस तो आराम से रख सकते हैं, अपने 4-5 सूटकेस इसमें ईजिली आ जाएंगे। ये फ़ायदा है गाइस इसमें स्पेस का, इसमें स्पेस की आपको कोई कमी नहीं होने वाली है। हालांकि इसमें टाटा ने क्या किया है कि सीट को थोड़ा आगे बढ़ा दिया है और बूट स्पेस में ज़्यादा दे दिया है, बट मैं रिकमेंड करता टाटा को थोड़ा सा सीट इनको पीछे रखना चाहिए था, और बूट स्पेस तो अच्छा खासा इसमें दिया ही हुआ है। और अगर मैं टेल की बात करूँ तो टेल जो है थोड़ी हैवी फील हो रही है, उठने में आपको हैवी फील नहीं होगी, बट जो है आप नीचे जब डाउन करोगे ना तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है आपको एनर्जी का यूज़ करना पड़ता है। बट एक बार में ये लॉक भी हो जाती है, लॉक में भी कोई इशू नहीं आता इसमें, आप जब इसको ऐसे पुट करोगे तो ये एक बार में ऐसे लॉक भी हो जाएगी गाइस। तो ये जो था इसका टेल था, तो टेल यानी कि बूट स्पेस में इसमें आपको कमी देखने के लिए नहीं मिलेगी। अब मैं आपको इसको इंटीरियर में लेके चलता हूँ की के साथ कि आपको इंटीरियर में इसमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है। सो गाइस, अभी जो है मैं इसके अंदर आके बैठ चुका हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये मेरा लेग रूम है, जैसे कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, मैं 6 फीट का हूँ और मेरे जो पैर हैं अभी भी ऐसे मुड़े हुए हैं, मतलब सीट पूरी पीछे है और मेरे पैर अभी जो है मुड़े हुए हैं, पूरे सीधे नहीं हो रहे हैं, हालांकि इसमें होते भी नहीं है, बट स्पेस काफ़ी अच्छा है। सीट जो है मुझे थोड़ी सी पतली लग रही है, थोड़ी सीट मुझे पतली लग रही है, और
बैठने के लिए उतना मुझे मतलब कंजेस्टेड थोड़ा फील हो रहा है। पर ये जो सीट है मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये बकेट टाइप की सीट दी गई है इसमें, आप देख सकते हैं ये। तो इससे थोड़ा आपको क्या है कि साइड सपोर्ट भी ऐसे देखने के लिए मिल जाता है, और यही आपको जो है पैसेंजर साइड में भी देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये भी जो है आपको बकेट टाइप की सीट देखने के लिए मिलती है इसमें। और अगर मैं आपको इसमें कॉन्सोल की चीज़ें दिखाऊं कि इसमें जो है कॉन्सोल कैसे कैसे मतलब क्या क्या चीज़ें आपको इसमें देखने की मिल जाती हैं, तो सबसे पहले आपको ये एसी कंट्रोल देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें आप चेंज कर सकते हो कि आपको एसी का जो हवा है वो कहाँ पे चाहिए। सेकंड है आपको ये ब्लोअर की स्पीड चेंज करने के लिए, ये आपको हॉट एंड कोल्ड आप जो एसी पे शिफ्ट कर सकते हो। ये आपको जो है जो एसी की एयर है अगर आपको अंदर ही सर्कुलेट करनी है उसका बटन है, अगर आउटर से सर्कुलेट करनी है तो उसका है। ये आपको डिफॉगर देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पे। ये आपको जो है टेल गेट ओपन करने के लिए यहाँ पे स्विच देखने के लिए मिलता है, और ये आपको जो है यहाँ पे पार्किंग लाइट है वो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। बात करें अगर इसके गियर बॉक्स की, तो इसमें आपको 5-speed का मैनुअल ट्रांसमिशन दिया हुआ है, और आपको एक रिवर्स गियर देखने के लिए मिल जाता है। अगर मैं इधर बात करूँ तो इसमें आपको 3 mode दिए हुए हैं, पहला है सिटी, दूसरा है ईको, और तीसरा है स्पोर्ट मोड। और यहाँ पे आपको ये हैंड ब्रेक देखने के लिए मिल जाता है, जो कि पार्किंग के टाइम पे यूज़ किया जाता है। अब इसके जो कार का सबसे हाईलाइटेड फीचर है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। इसमें आपको जो ये टाटा नेक्सॉन है ना, वो लोगो के जो लोगो है वो आपको डिस्प्ले के रूप में देखने के लिए मिल जाता है। मैं आपको की बंद करके फिर दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं जब मैं इसको ऑन करूँगा तो कितना अच्छा जो इसका इल्यूमिनेशन है वो होके आ रहा है। मतलब ये पूरा जो है आपको डिस्प्ले के उसमें देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो है ये कॉन्सोल देखने के लिए मिल जाते हैं, कॉल हैंगअप, ब्लूटूथ, यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप डाउन, यहाँ पे आपको जो है म्यूट बटन देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पे आपको माइक देखने के लिए मिल जाता है गाइस। अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको जो है हरमन का पूरा वो देखने के लिए मिलेगा गाइस, यानी कि आपको इसमें पूरा हरमन का जो है ऑडियो सिस्टम और ये आपको देखने के लिए मिलता है। इसमें आपको जो ये फुल्ली टच स्क्रीन है आप देख सकते हैं, ये पावर बटन है, और जो ये डिस्प्ले है ना काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, मतलब मुझे ऐसा कुछ इसमें लैगिनेस फील नहीं हो रहा है। और इसमें जो आपको स्पीकर्स देखने के लिए मिलते हैं वो भी पूरे आपको हरमन के देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें कि आपको जो साउंड है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिलेगा। अब मैं आपको एक बार इसके जो ये स्पीडोमीटर मतलब ये जो पैनल है स्पीडोमीटर का, इससे इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। इसमें आपको ये लो ऑयल, ये बैटरी, ये स्पीडोमीटर, यहाँ पे जो है आपको ये पास लाइट, और यहाँ पे फ्यूल गेज देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पे जो है आपको आरपीएम मीटर देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि 1 to 8000 RPM। जैसे कि आपको पता है कि डीजल जो गाड़ियाँ होती हैं उसमें 8000 RPM देखने के लिए आपको बाई डिफॉल्ट देखने के लिए मिलता है, उससे ज़्यादा आपको इसमें RPM देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो अब मैं आपको एक बार इंटीरियर से अपना व्यू दिखा देता हूँ। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ हूँ, और यहाँ पे कुछ व्यू ऐसा आ रहा है निकल के, और यहाँ पे जो आपको रूफ़ देखने के लिए मिलती है वो रूफ़ रूम जो है वो काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है। हालांकि मैं 6 feet का हूँ, बट आपको जो रूफ़ रूम है वो काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। आप देख सकते हैं कि ये जो रूफ़ रूम है इतना मुझे देखने के लिए मिल रहा है, और यहाँ पे जो है आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस देखने के लिए मिल जा रहा है। और अगर मैं आपको ये ऊपर साइड दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको लाइट और ये आपको माइक के साथ देखने के लिए मिल जाता है, इसमें स्पीकर भी आपको दिया हुआ है। लाइट की बात करूँ तो इसमें आपको जो है LED लाइट्स देखने के लिए मिल जाती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। बात कर लेते हैं IRVM की, तो IRVM भी जो है आपको काफ़ी सही देखने के लिए मिल जाता है, मतलब व्यू आपको काफ़ी सही निकाल के दे देगा। हम जो है उसमें भी काफ़ी अच्छा व्यू देखने के लिए मिल जाता है, और ये जो है ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल है, यहाँ पर आप इसको बटन से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इसमें नेक्स्ट फीचर्स की, तो इसमें आपको जो है चारों विंडो जो है वो पावर विंडो देखने के लिए मिल जाती है, जो कि बेस मॉडल में आपको इतना कुछ मिल रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा है गाइस। इसमें आपको सेंट्रल लुकिंग के साथ जो है आपको ऑल मतलब चारों विंडो में आपको पावर विंडो देखने के लिए मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छा है गाइस कार के पर्सपेक्टिव से देखें तो। अब गाइस सबसे मेन चीज़ आ जाती है कि इसमें सेफ्टी आपको क्या देखने के लिए मिलती है। तो सेफ्टी में गाइस आपको 6 airbags देखने के लिए मिल जाते हैं। आपको जो है 2 airbags यहाँ मिल जाएंगे, फ्रंट में 1 airbag इस साइड पर और एक वहाँ पर, और आपको 2 airbags वहाँ पे पिलर पे, एक उस साइड एक इस साइड, एक यहाँ बीच में देखने के लिए मिल जाएगा गाइस, और एक यहाँ आपको लास्ट में देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको टोटल 6 airbags देखने के लिए मिल जाते हैं सेफ्टी के मामले में। और अगर मैं बात करूँ कि बिल्ड क्वालिटी, तो आप देख सकते हैं गाइस टाटा की जो मेटल की बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होती है। मैं यहाँ पे आपको पिंच करके दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पे किसी भी ब्रांड को ऑफेंड नहीं कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे और कोई ब्रांड होती मैं नाम नहीं लूँगा, तो उसका जो ये बोनट है ना वो पिचकने लगता। आप कमेंट करके बताओ कि मैं किस कार की बात कर रहा हूँ। अब गाइस इस कार को मैं आपको एक बार स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि आखिर इसका इंजन नॉइस कितना है, इंजन का इसका साउंड है ना वो कितना निकल के आ रहा है। मैं आपको एक बार स्टार्ट करके दिखाता हूँ, देन उसके बाद मैं आपको इसका फाइनल प्राइस बताऊँगा। सो गाइस अब जो है मैं आपको इसका एक बार इंजन साउंड सुना देता हूँ कि आखिर स्टार्ट होती है तो इंजन का नॉइस कितना आता है।
तो गाइज ये था इस कार का इंजन नॉइस। आपने सुना होगा स्टार्टिंग जो है, अब डीजल इंजन है तो इतनी आवाज़ तो होनी बनती है गाइस, क्योंकि जो डीजल इंजन है आप सभी को पता होगा कि वो थोड़ा ज़्यादा आवाज़ करता है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल इंजन। तो इसमें जो आपको डीजल इंजन देखने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से जो है इसमें थोड़ा साउंड ज़्यादा आ रहा है, बट इसका जो साउंड है ना गाइस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है और काफ़ी ज़्यादा मतलब कानों को जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा सूट कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा साउंड इसका निकल के आ रहा है। अब गाइस मैं आपको फाइनल इसका प्राइस बता देता हूँ। सो गाइज ये जो कार है ना बेस मॉडल, ये आपको गाजीपुर के अंदर 1,90,500 रुपये में टाटा के शोरूम में देखने के मिल जाएगी, जो कि जस्ट फ्रंट में है आपके फर्स्ट चॉइस के जस्ट सामने है, और RTO रोड पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा ये शोरूम। तो आप यहाँ से आके इस कार को परचेस कर सकते हैं। 1,90,500 रुपये इस कार की जो है वो प्राइसिंग देखने के लिए आपको मिलने वाली है। सो गाइस होप करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए गाइस तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिए। जय हिंद जय भारत।